हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो मॉडिफिकेशन होता ही तभी है जब वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कोई भी। तो जो हमने रूट में मॉडिफिकेशन पढ़ा था उसमें भी डिफरेंट फंक्शन की वजह से वो मॉडिफाई हो रही थी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो मॉडिफाई हो रही थी। और यहाँ पर स्टेम भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होंगी। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम दिए हैं कौन कौन से, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीगंध, कोलोकेशिया, ये मॉडिफाई हो रही हैं फूड स्टोरेज के लिए। किस लिए? फूड स्टोर करने के लिए ये मॉडिफाई हो रही हैं। कितने एग्जांपल हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम के? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया। तो यहाँ पर ये 5 एग्जांपल दिए हैं जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम का। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये कैसे काम करती हैं? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करती हैं। अब देखेंगे स्टेम टेंड्रिल, इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेम टेंड्रिल है यहाँ पर। हमें लीफ टेंड्रिल, बड टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये स्टेम जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेम टेंड्रिल जो हमें पढ़ने हैं इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या हैं। विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, कहाँ से डेवलप हो रहे हैं ये एक्सिलरी बड। तो मॉडिफिकेशन किसका हो रहा है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन हो रहा है स्टेम टेंड्रिल में। आर सिलेंडर, स्पायरल कॉइल एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज अ गार्ड। तो टेंड्रिल क्या करते हैं, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं, स्पायरल होते हैं, सिलेंडरल होते हैं, गार्ड में होते हैं ये। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन। इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें स्टेम टेंड्रिल जो किसका मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का, मतलब किससे डेवलप हो रहा है, एक्सिलरी बड से डेवलप हो रहे हैं। इनके साथ साथ ये 3 गार्ड के एग्जाम्पल हैं और ये ग्रेप वाइन, ये भी याद रखिएगा, इसमें भी क्या है, स्टेम टेंड्रिल। तो यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े और यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। अगर एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो रही है वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में तो उसे क्या कहेंगे, थॉर्न कहेंगे। थॉर्न आर फॉर्म इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगनविलिया। थॉर्न क्या हो रहे हैं, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन हो रहा है कैसे, वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में। जैसे क्या कहते हैं, थॉर्न कहते हैं। थॉर्न क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बड का। और थॉर्न पाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट में सच एज सिट्रस और बोगनविलिया। सिट्रस फ्रूट्स में आपने देखे हैं या नहीं, बोगनविलिया आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। और मैं इनके डायग्राम आपको बाद में दे दूंगी, दिखा दूंगी, लास्ट में वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो उसमें मैं आपको सारे डायग्राम दिखा दूंगी। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, मतलब कि जो प्लांट्स को खाते हैं, चरते हैं, चरने वाले जो जानवर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं इन प्लांट्स को। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू द फ्लैटेंड अपंशिया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कैसा स्टेम मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, फ्लैटेंड, मतलब एग्जांपल अपंशिया, फ्लैटेंड स्टेम अपंशिया में, फ्लैटेंड किस में, अपंशिया में। और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोर्बिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपंशिया और यूफोर्बिया आपको कम्प्लीटली याद रखना है, अपंशिया और यूफोर्बिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैटेंड अपंशिया और सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, ये स्ट्रक्चर हैं। क्या क्या है, फ्लैटेंड स्टेम किस में पाया जाएगा, अपंशिया में, और सिलेंड्रिकल स्टेम, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोर्बिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये कैसे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है पर ये मॉडिफाई हुए हैं। अब इसमें पढ़ना है, इट इज स्प्रेड टू न्यू निच एंड व्हेन ओल्डर पार्ट वन न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड, ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट आर फॉर्म। ये अपना न्यू निच स्प्रेड करते हैं और जब इनका ओल्डर पार्ट डाई हो जाता है तो ये न्यू प्लांट फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि ये ग्रास और स्ट्रॉबेरी किस का एग्जांपल है, किस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है। तो ग्रास क्या होता है, ग्रास जो होता है वो रनर का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, रनर का,
और जो स्ट्रॉबेरी है वो स्टोलन का एग्जांपल है। ग्रास रनर होती है और स्ट्रॉबेरी स्ट्रोलन होती है। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एक्सिलरी फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि मेन जो इसमें एग्जांपल है मिंट और जैस्मिन वो किसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो मिंट है वो क्या है, मिंट सकर का एग्जांपल है और जो जैस्मिन है वो स्टोलन का एग्जांपल है। तो इन्होंने क्या दिया, ये कैसे ग्रो करेगा, बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर द सम टाइम आर्च डाउनवर्ड। तो इन्होंने पहले दे दिया कि ये जो ये है ये मिंट के लिए है, ये किसके लिए है, मिंट के लिए है, ये मेन एक्सिस के बेस से ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो ये जैस्मिन है ये आर्च के फॉर्म में टच करेगा ग्राउंड को और इसके बाद ये ग्रो करेगा। तो ये स्टोलन हो गया और मिंट जो है वो सकर हो गया। A lateral branch with a short internode and each node bearing a rosette of leaf। यहाँ पर क्या है, rosette of leaf। rosette of leaf का मतलब क्या है कि जो lateral branch है वो बहुत short है, short internode है उसमें और उसमें गुच्छे हैं leaves के, गुच्छे जैसा structure दिख रहा है कि वो leaves का गुच्छा है, उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं समझ आएगा कि leaves कैसी हैं। तो उन्हें rosette of leaf या tuft of roots। एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल है सबसे पहले ये जो हमने फूड स्टोरेज के लिए पढ़े थे, 5 एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रही हैं। यहाँ पर हमने कितने एग्जाम्पल पढ़े थे, 5 एग्जाम्पल पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू टेंड्रिल, इसमें हमने कितने एग्जाम्पल पढ़े थे, 4 एग्जाम्पल पढ़े थे। 3 जो थे वो गार्ड थे, कौन कौन से, वाटरमेलन, पम्पकिन और एक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और बहुत ही इजी है उसका, और एक जो साथ में एग्जांपल था वो क्या था, ग्रेपवाइन। तो मैंने यहाँ पर 3 बताए, एक आपको मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पर स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन, इसमें हमने कितने एग्जांपल पढ़े थे, इसमें हमने पढ़े थे 2, एक तो पढ़ा था हमने सिट्रस फ्रूट, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बोगेनविलिया। और यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट एग्जांपल दिया है, जो लास्ट डायग्राम दिया है, इसमें उन्होंने कहा है रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड, तो मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये रनर है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है लेकिन रूट अराइज हो रही है फ्रॉम नोड से, तो ये क्या है, ये रनर है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है रनर का, जो हमारा सेकंड डायग्राम है वो स्टॉलन, रनर का एग्जांपल क्या था, ग्रासेस थी। फिर जो हमारा थर्ड डायग्राम है वो है सकर का, तो मिंट जो था वो सकर का एग्जांपल था। उसके बाद है ऑफसेट, जिसका आइकॉर्निया पिस्टिया जो थे वो ऑफसेट के एग्जांपल थे। यहाँ पे टफ्ट ऑफ रूट देखने को मिलता है ऑफसेट में और साथ में रोजेट ऑफ लीव्स, तो टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीव्स। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉबेरी, जो कि स्टॉलन है। हमारा जो मिंट है वो क्या है, वो सकर है। हमारा मिंट कैसा होता है, सकर होता है। यहाँ पर दिया है क्राइसैंथेमम सकर होता है और आइकॉर्निया कैसी होती है, ऑफसेट होती है। और ये है बोगेनविलिया जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, थॉर्न, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।